दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज तारीख 7 हो गई है, 7 फरवरी हो गई है। हमारे पास से कुछ पीपल की बोनसाई हैं। दोस्तों मेरे पास इस समय 10 पीपल की बोनसाई मैंने पिछले साल में तैयार की थी, काफ़ी पुरानी पुरानी हैं ये। दोस्तों जो हमने बोनसाई तैयार की थी मैं अभी आपको, ये पिछले साल की है, ये पिछले साल की मैंने इसमें तैयार की थी। देखा ये मैंने पिछले साल तैयार की, अब हम इसकी आज जो है ना रिपोर्टिंग कर रहे हैं। डॉर्मेसी पीरियड ख़त्म हो गया है, अभी इसको मैं प्रॉपर फीडिंग दे के प्रॉपर इसको बोनसाई बनाएंगे। देख रहे हैं दोस्तों ये हमारा बोनसाई पॉट है। अभी जो है ना ये अभी हम इसको जो है ना इसकी मिट्टी निकालने के बाद इसकी मिट्टी देखिए हम इधर निकालेंगे, और हमने ऑलरेडी इसकी मिट्टी तैयार कर रखी है दोस्तों। इसके बाद में इसको अभी आपको रिपोर्टिंग करके इसको दिखाऊंगा कि हम इसकी रिपोर्टिंग कैसे करते हैं। ये देखिए दोस्तों ये बहुत पीपल का है, इसकी बोनसाई बहुत अच्छी तैयार होती है, और धीरे धीरे करेंगे जिससे हमारे रूट डैमेज ना हो। इसकी सारी मिट्टी हमको निकालनी पड़ेगी, मिट्टी की निकालने के बाद फिर हम इसको दूसरी हमने मिट्टी बनाई है, उस मिट्टी मैंने पूरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सारे खाद का ध्यान दिया है, और इसमें देख रहे हैं दोस्तों मैंने नीचे ये कितना एकदम हमने इसमें नीचे वो लगाई थी, एक गिट्टी लगाई थी जिससे जो है ना ये जो है ना चारों तरफ फैल जाए, तो वही इसमें दोस्तों हुआ है। ये देखिए चारों तरफ है इसका, इसका रूट देख रहे हैं दोस्तों कितना बढ़िया रूट बनाया है ये। इसमें देखिए एडवांटेजियस रूट्स होती है दोस्तों, वो सारी की सारी रूट्स हमें भी सभी हटा देंगे, और इसको जो है ना एक इसकी मिट्टी वगैरह सब चेंज करेंगे। इसके बाद दोस्तों मैं इसको रिपोर्टिंग करूंगा, और रिपोर्टिंग करने के एक महीने के बाद दोस्तों मैं अपडेट आपको दिखाऊंगा। ये देख रहे हैं दोस्तों ये देखिए हमारे पीपल का। अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास कई तरह के टूल्स हैं, ये है कुछ कटर है हमारी तरह से, ये देखिए कुछ कटर है हमारे, ये अलग अलग तरह के हमारे सारे टूल्स हैं, कुछ ये प्रूनर है। तो मैं कोशिश करूंगा जो पतली पतली हैं दोस्तों वो मैं इसको कैंची से हटा देंगे। ये देख रहे हैं दोस्तों ये सभी हम देख रहे हैं जो हमारी अनवांटेड है, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस हम थोड़ी थोड़ी सी रूट रखेंगे और इसको रिपोर्ट करेंगे। दोस्तों ये कार्बन का जो है ना जला हुआ जो हम लोग बाथरूम में डालते हैं कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसका जो है ना दोस्तों खंजर टाइप का आता है जिसको हम लोग बेस बनाते हैं। ये इसका पॉट है दोस्तों, देख रहे हैं आप पॉट को, उसको खंजर जैसा हम लोग बनाते हैं, तो वो हमें अभी इसमें अगले साल लगाएंगे, अभी नहीं लगाएंगे दोस्तों। इसका एक बड़ा सा हम और इसको ऐसे कवर करेंगे, कोशिश करेंगे थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको नीचे से कवर करें, और इसके बाद जो है ना जिससे हमारा नीचे का बेस है ना वो चारों तरफ फैल जाए। ये देखिए दोस्तों इसके बाद हम थोड़ी सी प्योर सैंड लेंगे जिससे हमारा ये पानी का ड्रेनेज है वो बहुत अच्छा सा रहे। इसके बाद दोस्तों मैंने ऑलरेडी इसमें जो हमने मीडियम बनाया है इसमें दोस्तों 30% हमारी गार्डन सॉइल है, 30% हमारी जो है ना सैंड है, रेत है कंस्ट्रक्शन में जो यूज होती है, और दोस्तों इसमें
नीम की खली है, बोन मील है, और इसमें दोस्तों थोड़ा सा पोटाश रह गया जो हमारी पत्तियों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ये दोस्तों पोटाश है, हम इसको थोड़ा सा पोटाश भी इसमें मिलाएंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, हमने वो भी डाला है। और दोस्तों इसमें ये देख रहे हैं, ये साफ वाला एंटी फंगल भी मैंने पूरा इसमें मिलाया है। पूरा एक मीडियम हमने इसको तैयार किया है दोस्तों। इसके बाद फिर हम अब इसको जो है ना इसमें रिपोर्टिंग करेंगे। कोशिश करेंगे कि मैं इसको बिल्कुल ऐसे सेंटर में रखूं जिससे इसकी रूट जो है ना ये चारों तरफ जो है ना पूरा भर जाए, और ये जो हमारा ये रूट का जो ये स्टेम होता है ये बहुत खूबसूरत नज़र आने लगे। ये देखिए, अब हम इसको दोस्तों मिट्टी डालेंगे, बहुत केयरफुली मिट्टी डालेंगे। मिट्टी डालने के बाद दोस्तों इसको मैं 15 दिन के लिए छाया में रखूँगा कि हमारा प्लांट जो है ना, हमने इसके कुछ रूट को डैमेज किया है तो ये थोड़ा सा अभी स्ट्रेस में चला जाएगा, उसके बाद जो है ना फिर ये बढ़ेगा। अभी मैं इसको छाया में रखूँगा, छाया में रखने के बाद फिर ये इस पर जो है ना अभी मैं इसको डेकोरेट करूँगा। कोशिश करूँगा कि ये जो है ना अच्छी तरह इसमें कोई भी रूट पॉकेट्स जो होते हैं, एयर पॉकेट्स होते हैं, वो ना रहे। देख रहे हैं दोस्तों, अभी मैं धीरे धीरे इसको पूरा का पूरा मिट्टी से कवर करेंगे। इसकी मैंने वाइंडिंग पहले कर चुके हैं, वाइंडिंग करके मैंने इसका बेस बहुत अच्छा सा बनाया था, और उसके बाद जो है ना उसके बाद अब हम ऊपर से जो है ना इसमें कोकोपीट डालेंगे। ये देख रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा हम मिट्टी की डालने की और कोशिश करेंगे। जितनी इसकी रूट जो है ना दिखेंगी दोस्तों उतना ही ये बड़ा खूबसूरत नज़र आएगा। देख रहे हैं अभी इसमें पत्तियां नहीं है, डॉर्मेसी पीरियड से निकला हुआ है, जनवरी का फर्स्ट वीक है। अभी 15 दिन के बाद इसमें फुटाव होगा, इसमें से सब पत्तियां आएंगी। दोस्तों मैं एक महीने के बाद इसका अपडेट दूंगा, उस समय देखिएगा कितना खूबसूरत है। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, हमें अगर बोनसाई बनाना है तो हम बोनसाई बनाने के लिए सबसे पहले हम पीपल के प्लांट को लेते हैं। पीपल को प्लांट लेके एक बड़े गमले में, ये पीपल का प्लांट है, इसको बड़े गमले में मैंने इस वाले में से अभी मैंने निकाला है। ये देखिए, इसकी हमको रूट जो है ना वो थोड़ी सी डेवलप करने के लिए इसको मैंने उसमें लगाया है। तो दोस्तों अभी अब जब इसकी रूट काफ़ी अच्छी हो जाती है तो फिर मैं इसको रूट को जो है ना रूट प्रूनिंग करूँगा। देख रहे हैं जो बहुत मोटी वाली जड़ है उसको कट कर देंगे ऐसे, ठीक है, जो साइड की हैं ये कट करेंगे, है एडवांटेजियल रूट जितनी भी हैं उनको हम कट करेंगे। तो ये ठीक है, प्रूनर बहुत अच्छा है। ये देख रहे हैं दोस्त, जितने भी अनवांटेड रूट है वो उनको हम कट करके निकाल देंगे। अब दोस्त क्या करेंगे, ओके, ये हम एक के दोस्तों देख रहे हैं कि नया हम पॉट लेंगे, मार्केट से लाए थे, अब हम इसको इसी में ही रिपोर्ट करेंगे। इसके लिए फिर मैं वही इसके नीचे जो ड्रेनेज सिस्टम के लिए जो पानी का निकलने का सिस्टम होता है दोस्तों, मैं उसको पहले धीरे से इसको बंद करेंगे। छोटे छोटे छेद हैं इसमें से पानी जाएगा, मैं इसको धीरे से सभी होल्स को बंद करेंगे। देख रहे हैं दोस्तों, ये सभी होल बंद करने के बाद मैं इसमें जो है ना थोड़ा सा जो हमारे कंस्ट्रक्शन वाली मोरम होती है हम उसको इसको ढक देंगे, हल्का हल्का सा ढक देंगे, इसको हल्का सा ढक देंगे, जिससे जो है ना हमारा जो मैंने ये नीचे गिट्टी लगाई है पानी के ड्रेनेज के लिए वो हमारी गिट्टी डिस्टर्ब ना हो। इसके बाद दोस्तों अभी मैं इसको मैंने वहाँ से निकाला है बड़े प्लांट से, इसीलिए बहुत ज़्यादा मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, ठीक है। ये दोस्तों अब हम इसको
ये इसको रिपोर्ट करें। देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम उठा के इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये जड़ वगैरह जो है ना वो धीरे से ऐसे इसके अंदर चारों तरफ से ये दब जाए। जो हमने मिट्टी तैयार की है हम इसको मिट्टी को रिफिल करेंगे इसी में चारों तरफ से। मिट्टी को मैंने पहले बता ही दिया है कि इसमें मैंने क्या क्या लगाया है और इसमें क्या क्या मिलाया है। ये देखो दोस्तों, ये चूँकि ये अभी पिछले साल का है दोस्तों, 20 साल 25 साल एक बॉन्साई बनाने में लग जाता है, तो ये तो अभी एक एक साल दो दो साल के हैं। इसको जो है ना जब बन जाएगा अच्छा सा तब दोस्तों मैं आपको अपडेट करके इसको दिखाऊंगा कि ये कैसा कैसा बना। बॉन्साई में दोस्तों बहुत टाइम लगता है, धीरे धीरे बॉन्साई जितनी अच्छी उसकी रूट होंगी उतनी अच्छी इसकी जो है ना आपको लुक वाइज अच्छा दिखेगा। दोस्तों इसमें छोटे से पॉट में लगाया दिया जाता है और इसमें इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है उसको बहुत मेंटेन रखना पड़ता है क्योंकि इसमें जो है ना हमारे पोटेशियम है, क्लोराइड्स है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, सिलीनियम है, इन सब का मुझे प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है। अगर ये नहीं ध्यान देंगे दोस्तों तो ये हमारा प्लांट जो है ना ये बहुत अच्छा ग्रो नहीं करेगा और जल्दी जो है ना इसमें ख़राब हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये थोड़ा सा मेरे पास जो है ना ये कोकोपीट है, कोकोपीट में थोड़ा सा इसलिए डाल देता हूँ कि कोकोपीट जो है ना ये पानी को होल्ड करके रखता है और पानी को होल्ड करने के बाद इसको जो है ना नमी रहती है। अभी दोस्तों मैंने इसे बहुत ज़्यादा उस तरह की चीज़ें नहीं मिलाई हैं, बस खाली मैंने पॉटिंग मिक्स जो इसका बनाया था वो बहुत अच्छी क्वालिटी का मैंने बनाया है। अभी देख रहे दोस्तों इसको, अभी मैं इसको रख दूँगा छाया में, अभी वाटरिंग जो है ना सभी में करूँगा, रख दूँगा। इसके बाद जो है ना एक महीने के बाद मैं आपको अपडेट दूँगा दोस्तों ये कैसे, देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है। बस दोस्तों मैं एक और इसका आपको अभी दिखाऊंगा, एक और अभी बना के दिखाऊंगा। देखिए मेरे पास आलू भी है, मैं इसको अभी और बना के दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमने पिछले साल लगाया था, पिछले साल में ये भी सारे पीपल के हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हमारे कुछ बॉन्साई सेक्शन में आप जरा सा इधर से ही आके बॉन्साई सेक्शन दिखा दीजिए। ये देखिए ये हमारा पूरा बॉन्साई सेक्शन है, कई हैं इसमें हमारे बनियान ट्री के भी कुछ हैं। दोस्तों देख रहे हैं सभी का जो है ना एक ही बनाने का प्रोसेस होता है, मैं आपको एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का है मैं इसको बना के अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। धीरे से इसका जो है ना इसका पॉट निकाल लेंगे उसके बाद जो है ना फिर हम आपको दिखाते हैं एक पॉट और अभी आपको बना के दिखा दूँगा। देख लो दोस्तों ये निकल, इसके अंदर थोड़ी सी जड़ें थी वो इसमें फंस गई हैं, इसकी वजह से ये जो है ना अभी पॉट नहीं निकल रहा। ये देखिए दोस्तों ये जड़ें काफ़ी अच्छी इसकी हो गई हैं और मैंने बड़ा पॉट इसलिए लगाया था कि इसका जो है ना जो मीडियम है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए। ये देख रहे दोस्तों, ये देख रहे कितना अच्छा ये बना हुआ है। इसमें नीचे से मैंने ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े वो लगाए थे, देख रहे दोस्तों ये देखिए, जिससे जो है ना ये आगे तक ना बढ़े वहीं पर। ये बॉन्साई का दोस्तों साइंटिफिक एक प्रोसेस होता है, हमको वो मेंटेन करना पड़ता है उस प्रोसेस के थ्रू कि हम इसको बॉन्साई एक अच्छा रूप दे सकते हैं। देख रहे दोस्तों बिल्कुल इसमें वेल ड्रेनेज होना चाहिए, वेल ड्रेन की सॉइल बनानी चाहिए। थोड़ा सा भी होगा दोस्तों तो इसकी रूट जो है ना बिल्कुल डैमेज हो जाएंगे और आपका पौधा देखिए सभी जो है ना कंस्ट्रक्शन जो बालू होती है वही उसी को मैंने ज़्यादा रखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों अभी जब इसमें पत्तियां आ जाएंगी दोस्तों, अभी आप लोगों को शायद अच्छा नहीं लगेगा देखने में कि ये क्या है, लेकिन जब इसमें पत्तियां आएंगी दोस्तों उस समय ये बहुत बहुत खूबसूरत लगेगा।
देख रहे दोस्तों ये सब अनवांटेड हैं, अनवांटेड तो मैं इनको इनको कट करूँगा। देख रहे ये देखिए ये एडवांटेजियस रूट है, ये एक्स्ट्रा रूट होती है, इनका कोई रोल नहीं होता है। धीरे धीरे हम इनको कट करेंगे, कट करने के बाद ये देख रहे दोस्तों ये देखिए अपने आप में भी कितना एकदम गुलाई ये बना बन गया है। ये देखिए दोस्तों अभी इसमें जब इसमें न्यू बड्स आ जाएंगी, न्यू पत्तियां आ जाएंगी, उस समय दोस्तों ये देखिए कितना खूबसूरत लगा हुआ है। इसको बस एक और मैं आपको इस बारे में दोस्तों ये देखिए एक न्यू पॉट है, मैं इसको इस कंडीशन में रखूँगा जिससे ये देखने में थोड़ा सा और खूबसूरत लगे। सेम प्रोसेस होता है, उसी तरह से मैं इसमें जो है ना ये छोटी छोटी गिट्टियाँ इसमें लगा दूँगा। गिट्टियाँ लगाने के बाद इसको मैं बीच में ऐसे एक बड़ी गिट्टी लगाएंगे जिससे ये पूरा पूरा का पूरा चारों तरफ से फैल जाए। ये देखिए दोस्तों बस है। इसके बाद में थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन होता है जो वो वाली मोहरम है, प्योर मोहरम इसलिए लगाते हैं कि पानी का जो है ना जब भी ये फिल्टर पानी हो तो ये हमें रुके नहीं। ये देखिए ये ऑलरेडी हमने जो बनाई है वो है, ये हमारा पॉटिंग मिक्स है जो तैयार किया है। ये देख रहे हैं दोस्तों अब मैं उसको इस तरह से करूँगा जिससे जो है ना हमारा ये देखने में और खूबसूरत लगे। ये देखिए दोस्तों अभी इसको मैं रिफ़िल करूँगा मिट्टी से। रिफ़िल करने के बाद अच्छा सा बहुत इसके एयर स्पेस को बंद करेंगे। बंद करने के बाद फिर हम इसको छाया में रखेंगे। छाया में रखने के बाद तब फिर मैं इसमें वाटरिंग करूँगा। देख रहे हैं दोस्तों हमें एयर पॉकेट्स बिल्कुल बंद करने पड़ेंगे। ये देखिए ये एक्चुअली जो हमारा ये बोनसाई सेक्शन होता है जो हम लोग बोनसाई बनाने का वो करते हैं वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है, बहुत पेशेंस और धैर्य की ज़रूरत होती है क्योंकि हम एक बड़े पौधे को एक छोटा रूप देते हैं, उसको बोनसाई करते हैं, ड्वार्फ करते हैं, तो उसकी हमें बार बार जो है ना रूट की प्रूनिंग करनी पड़ती है। प्रूनिंग करके हम उसमें जो है ना हमारा जो न्यूट्रिशनल है जो उसको खाद पानी देते हैं वो हमें जो है ना माइक्रो न्यूट्रिशन वर्ग वो सब ध्यान रहना पड़ता है। जब हम उसका ध्यान देंगे तभी जो है ना वो अच्छा सा चलेगा, अदरवाइज जो है ना दोस्तों वो सूख जाएगा। देख रहे हैं दोस्तों अभी जो है ना छोटे छोटे स्टोन्स हैं इसको डेकोरेट कर दिया जाएगा। डेकोरेट करने के बाद दोस्तों ये आपको बहुत अच्छा लगे। देखिए थोड़ा सा लाइन पोजिशन में मैंने इसको रखा है। ये देख रहे हैं दोस्तों ये थोड़ा लाइन पोजिशन में रखा है। ये देखिए दोस्तों तो अभी जब ये बनेगा तो ये बहुत खूबसूरत आएगा। ये देखिए दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा। दोस्तों मैं बड़ा मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा जो है ना मटेरियल मैं दूँ जैसा हमने सीखा है। और देखने के बाद दोस्तों मैं आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा चैनल सम्यक टेरेस गार्डनिंग, सम्यक टेरेस सम्यक से मेरा ये नाउन है दोस्तों, ये भगवान बुद्ध को सम्यक एक बीच का रास्ता होता है तो एक वो रास्ते की वजह से सम्यक है। और टेरेस हम अपने छत को बोलते हैं और गार्डनिंग का होता है गार्डनिंग का, और ये दोस्त सम्यक टेरेस गार्डनिंग मैंने इसलिए उसका नाम रखा हुआ है। तो सभी लोग जो है ना व्यूवर्स को मैं अगेन धन्यवाद बोलूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।